गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक बहुत ही आलसी शिष्य था, लेकिन गौतम बुद्ध भी उसे उतना ही प्यार करते थे जितना बाकियों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बुरी आदत थी और वो थी कि वो आज के काम को हमेशा कल पर टाल दिया करता था। उसका ये मानना था कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से ही होता है और वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक ज्ञानी साधु उसके घर आए और ब्राह्मण और उसके परिवार ने मिलकर उस साधु की बहुत अच्छे से खातिरदारी की। जाते समय साधु बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत ही गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक पारस का पत्थर देता हूँ, 7 दिन बाद मैं आऊँगा और इसे वापस ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो तुम बना सकते हो। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने पारस पत्थर ले लिया। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा और उसे बहुत कम ही लोहा मिला। ब्राह्मण ने उस लोहे को सोने में बदल दिया और उसे बेचकर आ गया, और जो पैसे उसे बेचने के बाद मिले वो उन पैसों से घर के सामान खरीद कर लेकर आ गया। अगले दिन उसकी पत्नी के जोर देने पर वो ब्राह्मण बाजार में लोहा खरीदने गया तो लोहा थोड़ा महंगा था, तो ब्राह्मण खाली हाथ ही घर वापस लौट आया। 2-3 दिन बाद जब वो फिर लोहा खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसे पता चलता है कि लोहा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। वो फिर खाली हाथ वापस लौट आता है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद लोहे का भाव कम हो जाएगा तब मैं लोहा खरीद लूंगा और उसके बाद बहुत सारा सोना बना दूंगा उसे। लेकिन लोहा सस्ता हुआ ही नहीं कभी, और दिन बीतते गए और ऐसे ही 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन वो साधु वापस आया और उसने अपना पत्थर वापस मांगा। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा सारा समय तो यूं ही निकल गया, अभी तक तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया हूँ, आप कृपा करके इस पत्थर को कुछ दिन के लिए मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ और साधु ने कहा कि तुम जैसा आलसी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो पता नहीं कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का सही उपयोग नहीं जानता वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने भाग्य पर पछताने लगा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि साधु अपना पत्थर लेकर वहां से जा चुका था। और उस ब्राह्मण को अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और वो पारस पत्थर हम सबके पास भी है, और वो है हमारा समय। समय ही मनुष्य के जीवन का पारस पत्थर है, क्योंकि इसका सही उपयोग करके कोई करोड़ों रुपए कमा लेता है तो वहीं कोई एक रुपया भी नहीं कमा पाता है। कोई अपने जीवन में अर्श से फर्श तक का सफर तय कर लेता है तो कोई पूरा जीवन अपने भाग्य और किस्मत को कोसने में बिता देता है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से शिष्य को समझ में आ जाता है और वो वादा करता है कि आज के बाद वो कभी भी आलस नहीं दिखाएगा और अपना काम अपने समय पर उसे पूरा करके दिखाएगा। दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्त और अपनी फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।